अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर देखने सुनने को मिलती है जिसमें इस बात को जाहिर करते हुए देखा जाता है कि मुस्लिम समाज मुल्क विरोधी या फिर इसके हुब्बुल वतनी पर सवाल खड़ा किया जाता है, इनसे देशभक्ति के सर्टिफिकेट पूछे जाते हैं। और आज की खबर ने तो बिल्कुल हिलाकर रख दिया है। अब इसके दो पहलू भी देखे जाते हैं। अगर आप मोदी हुकूमत या मरकजी हुकूमत से इत्तफाक नहीं रखते या सत्ता से सवाल पूछने लगते हैं तो बारी आपकी भी आ जाती है, और जो सवाल पूछने की जरूरत करता है इसे देश विरोधी साबित किया जाता है। आज भारत के नायब सदर हिंद यानी कि वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हामिद अंसारी को संघी भाजपाई और आईटी सेल की जानिब से ट्रोल करते हुए खुद हामिद अंसारी साहब को ही देश विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए पूरा प्रचार तंत्र काम में जुट गया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि यहां तक जिसे देशभक्ति और मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को तक देश विरोधी साबित करने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि इनके नाम मुसलमान है। इन्हीं संघियों की जानिब से की गई थी ये तमाम हरकतें। कहने का मतलब, मुसलमान होने की बुनियाद पर आपको देश विरोधी बनाया जा सकता है अगर आप भले ही इनकी कितनी हिमायत क्यों ना करते हो। यह बात इसलिए भी कहनी पड़ रही है क्योंकि अब भाजपा से कईयों को बाहर किया जा रहा है, उन लोगों को जो मुसलमान है, जो मुसलमान थे, और वैसे भी इन्हें वहाँ कोई इज्जत दी जाती थी ऐसा भी नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर कर्नाटक के मुख्तार पठान तक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया ताकि अक्सरियत तबके को खुश रख सके और मुस्लिम विरोधी होने की दलील भी तो दे सके। और अगर आप इतनी जिल्लत के बावजूद भी वहाँ रहना चाहते हैं तो इनके लिए भी अलग काम तैयार रहता है। जैसे कोई इस्लाम, मुसलमान, इस्लामी कानून, शरीयत, अल्लाह रसूल के खिलाफ कोई भी अनाप शनाप बकने लगता है तो इनकी हिमायत में इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अक्सर आपने टीवी पर भी देखा होगा कि कोई मुसलमानों से मुतालिक बात भी करता हो तो भाजपाई मुस्लिम लीडर जो अपने जमीर का सौदा कर उस पार्टी में कुछ अपने जाति मुफाद के लिए बैठे रहते हैं, इन्हें अपनी कौम के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है। और यह बारहा नजर भी आता रहता है। पहले कोई एकाद मुस्लिम लीडर नजर आता था तो शाहनवाज हुसैन, मुख्तार नकवी भी गायब हो चुके हैं। वैसे आपको मुस्लिम मुखालिफ पार्टियों के रुकनियत हासिल करने वाले बेगैरत मुसलमान काफी मिलेंगे, लिहाजा इतना तो जरूर है कि आपको वहाँ कुछ रुपए और ओहदा जरूर मिल सकता है, लेकिन आप वहाँ रहकर कौम के खिदमात कर सकते हैं ये महज धोखा है। क्योंकि अक्सर लोगों को यही कहते हुए देखा जाता है कि हम भाजपा में रहकर कौम की खिदमत करेंगे, वो हमारी तरफ बेवकूफ थोड़ी है। दूसरा पहलू ये भी है कि जो भी अगर मुसलमान नहीं भी है और इनकी सोच और फिक्र से इत्तफाक नहीं रखता, इनके भाजपा या संघी विचारधारा से वो इत्तफाक नहीं रखते हुए आवाज उठाता है, उनकी आवाज को भी फौरन दबाया जाता है। लिहाजा आज वजीर आजम मोदी के खिलाफ महज पोस्टर चस्पा करने को लेकर 5 अफराधों को गिरफ्तार किया गया। पोस्टर में किसानों की मौत और बढ़ते महंगाई पर पीएम मोदी पर तंज कसा गया था। 5 लोगों की पहचान अनिकेत केसरी, अभय कुमार सिंह, राजेश केसरवानी, शिव और धर्मेंद्र के तौर पर पहचान की गई है। कहा जा रहा है कि उन्हें पोस्टर लगाने के लिए लगभग 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया था जिन्हें अब हटा दिया गया। पोस्टर में किसानों के संघर्ष के दौरान कई लोगों को जान गंवाने, ठेके कामों से नौजवानों के ख्वाबों का कत्ल और ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया गया था। अब इसे मुल्क की एकता के लिए नुकसानदेह कहा जा रहा है, मुसलमानों को अलग थलग करने के लिए मुसलमानों के हक में या फिर फिरका परस्तों के खिलाफ जो भी आवाज, खासकर गैर मुस्लिमों में जो इस मुल्क के संविधान एकता भाईचारे को कायम करने की कोशिश करते रहे या कर रहे हैं, इनकी भी आवाज को दबाया जा रहा है। और पिछले कुछ सालों में तो ये उरूज पर है। अभी भी गौर लंकेश, कलबुर्गी, पानसरे, दाभोलकर के कातिलों को सजा नहीं हुई है। अब तक तो कई कातिल पुलिस की गिरफ्त से भी दूर है। और यह मामला वहां से शुरू होकर तीस्ता से तलवार, संजय भट्ट, IAS अफसर श्रीनिवास तक मुसलसल जारी है। कई सहाफियों को, जुबैर तो मुसलमान है लेकिन कई ऐसे साफी जो इस मुल्क के संविधान के हक में बोल रहे थे, लिख रहे थे, इनकी आवाज को दबाया गया या तो फिर इन्हें जान से मार दिया गया। आज भी ऐसे कई साफी सामाजिक खिदमत को अंजाम देने वाले लोग जेलों में बंद हैं, मुसलमान नहीं है लेकिन मुसलमानों के हक में बोल रहे थे, मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे क्योंकि मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती की दास्तान रकम की जा रही थी, ऐसा इनका कहना था। वो बोलते रहे, आवाज उठाते रहे, लिहाजा उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। एक और पहलू का जिक्र भी यहाँ जरूरी है। मुसलमानों को चाहिए था कि इसमें बढ़ चढ़कर एहतजाज या फिर कानूनी कार्रवाई करते, उनके लिए आवाज उठाते, लेकिन हमेशा की तरह मुसलमानों को इस मसले से कुछ लेना देना नहीं है, जबकि इन्हीं मुसलमानों के खिलाफ इस माशरे के हक में बोलते हुए जेलों में बंद हो गए। लेकिन कभी मुस्लिम समाज के दीनी रहनुमा या सियासी रहनुमाओं को दो लफ्ज बोलने की तौफीक नहीं होती। आज भी जुमा के खुतबों में हालात पर बोलने की हिम्मत माशरा और इस माशरे के दीनी सियासी रहनुमा
नहीं कर सकते। आजकल तो मस्जिदों में बतौर ऐलान सिवाय हुकूमत की गाइडलाइन के सिवा है कुछ सुनने नहीं मिलता। इमाम साहब का तो कोरोना के दौर से हमने देखा है, सिवाय सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, वैक्सीन, इसी को कौमी मसले के तौर पर बताते हुए देखा गया। अब तो कुर्बानी को लेकर हुकूमत की गाइडलाइन ही सुनाते हुए देखा गया। बिल्कुल हुकूमत के गाइडलाइन सुनानी चाहिए, लेकिन हालात जिस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं, माशरे का बड़ा तबका रोजी रोटी के चक्कर में हालात से बहुत दूर रहता है। और जाहिर है घरों में जो खवातीन होती है वो भी तो दूर ही होती है। जुमा का एक मौका ऐसा होता है जहां पर तमाम मुसलमान एक जगह पर आते हैं, हालात पर बात कर उम्मत के बड़े तबके को कुछ हद तक बेदार जरूर कर सकते हैं जुमा के रोज। कुर्बानी को महज जानवरों की कुर्बानी, कितने हिस्से उसकी फजीलत, यही तकरीबन मस्जिदों में बयानात किए गए और बरसों में उसी नहज पर बयानात सुनने के आदि हुए और बतौर खुतबा यही सुनाया गया। लेकिन दुश्मन की साजिश और मुसलमानों की ही नस्ल कुशी का जो ऐलान इनके धर्म संसदों में किया जा रहा है, इस पर जिक्र किसी भी मस्जिद में देखने को नहीं मिलता। जिस तरह हुकूमतों को तक पैसा और ताकत के बलबूते से बदल दिया जा रहा है, याद रखो ये तुम्हारी नस्ल खुशी की तैयारी चल रही है और तुम मजे से कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में रखकर खाते रहो। याद रखो ये बेहिसी तुम्हें ले डूबने वाली है। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि जिस माशरे के लिए कई गैर मुस्लिम तक जेलों में जा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, पर मुस्लिम समाज की बेइज्जती की इंतहा कर सकते हैं कि ऐसे खामोश जैसे इनका मसला ही नहीं। आज भी दुनिया परस्ती में मुलविस इस माशरे को देखा जा रहा है और खासकर जब आज मुल्क के बड़े ओहदे पर बैठे हामिद अंसारी तक को बख्शा नहीं जा रहा, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस इंतहा की नफरत किस समाज को लेकर फैलाई जा रही है। लिहाजा जरूरत है जल्द बेदार होने की और संविधान के हिफाजत में कमर बस्ता होने की, वरना यह खामोश इस माशरे को हमेशा के लिए गूंगा जरूर बना सकती है। और यही सच्चाई, नए नए कानून, नए नए उसूल बनाए जा रहे हैं और अब नया एक कानून रियासत हुकूमत की जानिब से लाया गया है, जब किसी भी सरकारी दफ्तर में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना अब जुर्म होगा। नए कानून के मुताबिक किसी तरह सरकारी दफ्तर में कोई काम कर रहा हो, बैठा हो या सो रहा हो या काम कर रहा हो या ना हो, और कुछ बातें चल रही हो, जैसे कोई भी वीडियो नहीं बनाई जा सकती और सोशल मीडिया पर वायरल भी नहीं किया जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने का फरमान रियासती हुकूमत की जानिब से किया गया। बेलगाम के रीजनल कमिश्नर और बिम्स के जिम्मेदार के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अमलान विश्वास का तबादला किया गया था, लिहाजा इस तबादले को रद्द किया जाए। इसके लिए आज डीसी बेलगाम को मुख्तलिफ तंजीम इदारों की जानिब से मुतालबा पेश किया गया। वाजह रहे बिम्स बेलगाम को लेकर काफी नाराजगी अवामी देखी जा रही थी, खासकर कोरोना के दौर में, लेकिन जब से अमलान विश्वास ने जिम्मेदारी लिए कई सारे तरक्याती कामों के साथ नज्म जब्त का भी एहतमाम किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लिहाजा अचानक इनके तबादले से जिन कामों को अंजाम दिया जा रहा था वो रुक जाएंगे, बहरहाल इनका तबादला रद्द किया जाए, ऐसी मांग की जा रही। बेलगाम शहर और अतराफ में धुआंधार बारिश बरस रही है, लिहाजा इस मौसम के सबसे ज्यादा बारिश मंगल से लेकर आज जुमा तक दर्ज की गई है। नदी नालों में पानी का मियार खतरे के निशान को पार कर चुका है और बाढ़ के इम्कान बढ़ चुके हैं। आज सबसे ज्यादा यानी तकरीबन 52 मिलीलीटर बारिश दर्ज करने की बात कही जा रही है। सबसे ज्यादा खानापुर तो जीरो बारिश मुडलगी में दर्ज की गई है। आज कृष्णा नदी के किनारे बाढ़ का जायजा लिया गया, एनडीआरएफ को सतर्क रहने का इशारा दिया गया। बेलगाम शहर के भी निचले हिस्सों में पानी जमा होने की इत्तला हासिल हो रही है। मुसलसल बरसती बारिश से घरों के गिरने की वारदातों में भी इजाफा होता जा रहा है। खानापुर में एक घर की दीवार गिरने से 15 साल बच्चे की दम घुटकर मौत हो गई। खानापुर के चिंचवाड़ गांव में यह वारदात पेश आई। रात 10 बजे मिट्टी की दीवार गिरने से मिट्टी के अंदर अनंत पानछट्टी दब गया और इसी में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। कल रात खंजर गली में धुआंधार बारिश के मद्देनजर मकान ढहने की वारदात पेश आई। दरअसल ये मकान बंद है और मकान के करीब आंगनवाड़ी भी है, बिल्कुल छोटी जगह है जहाँ से लोगों को आना जाना पड़ता है। बच्चे बूढ़े खवातीन का इसी रास्ते से आना जाना है, इसी रास्ते का इस्तेमाल भी किया जाता है। कल जब दीवार गिरी उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन दिगर मिट्टी का मलबा गिरने के नजदीक है। यहाँ रिहायश पजीर लोग खौफ के साए में है कि कहीं ये दीवार किसी बच्चे या किसी फर्द पर ना गिरे, लिहाजा बारहा कारपोरेशन को इत्तला देने की बात बताई जा रही है। अवाम का कहना है कि फौरी तौर पर इंतजामिया तवज्जो दे और किसी बड़े हादसे को होने से रोक दिया जाए, वरना एहतजाज किया जाएगा जिसके लिए कारपोरेशन जिम्मेदार होगा, ऐसा भी यहाँ के अवाम को कहते हुए देखा गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thank you.
अभी ये घर 8-9 साल से बंद है, इसका ओनर कौन है हम ना मालूम नहीं। और लास्ट टाइम को कॉर्पोरेशन को अप्लीकेशन दिए थे हमें, आपको सर्वे करे थे ना, उसके बारे में क्या एक्शन ले लें उसके बारे में। अभी क्या है, दीवार आने जाने वाली है, आंगनोड़ी भी है इधर, और बच्चे भी आने जाने लिए, रास्ता नहीं हमारे जाने को, और दीवार पड़ी सा है, और इसका ओनर कौन है हम ना मालूम नहीं। और कॉर्पोरेशन से विनती है कि हमारी ये जल्द से जल्द क्या है इसका ये करे। 2-3 ओनर हो गए, सब आ रहे हैं, बेच रहे जा रहे हैं, हमारा कौन है मालूम नहीं ओनर इसका। बहुत रिक्वेस्ट करे तो भी आ रहे नहीं, और मार्केट प्रोडक्शन कंप्लीट भी गए थे हम, उसके ऊपर भी एक्शन हुए नहीं। उसके बच्चे पढ़ रहे हैं आ रहे हैं, फोना करे तो फोना नहीं उठाते यार। लाइट वाले को बोले तो लाइट वाला फोना नहीं उठाता, 20-25 दिन से फोना करें तो भी आ रहे नहीं। सब जना को बोले, अभी लास्ट बोल रहे हैं मैं, इसके ऊपर एक्शन लेना कॉर्पोरेशन, नहीं तो कॉर्पोरेशन के ऊपर मैं इल्जाम लगाने वाले। बच्चे पर उनको बोले और ये करे नहीं सुनने लगे तो क्या करने का भी उनको। दो तीन बार कंप्लेंट भी करे उनको। अच्छा, ये आने जाने के वास्ते एक ही रास्ता है क्या? एक ही रास्ता है। कल हमारी बेटी कॉलेज से आ रही थी, उन्हें आने को एकदम नीचे पड़ी दीवार, उसके आंख पड़ती थी तो मैं क्या होता था।